जी मैं राजीव भारद्वाज, संगठन मंत्री जम्मू कश्मीर प्रांत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। मेरे साथ श्रीमान महेंद्र देव शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, और श्रीमान ठाकुरदास शर्मा जी, आप हमारे अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर प्रांत के। इनके साथ पुरुषोत्तम अबरोल जी और श्रीमती पूजा जी। ग्राहक पंचायत जो है ये ग्राहकों को अवेयर करने के लिए एक संस्था है। जागो ग्राहक जागो हमारा नारा है, और हमारा लक्ष्य है शोषण मुक्त समाज। जहाँ भी ग्राहकों के अधिकार पे किसी भी प्रकार की हानि करने की कोशिश की जाती है, हम कोशिश करते हैं कि ग्राहक को उस हानि से बचाया जाए, उनको सेव करें हम लोग जो शोषण का होता है। इसलिए कि हमारी जो संस्था है, हम लोग जगह जगह पे जाके छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे 3 कार्यक्रम जो में हुए हैं, जहाँ में हमने जो ग्राहक जो है मुख्यतः महिला ही रहती हैं, और हमने महिलाओं को सचेत करने के 3 कार्यक्रम जम्मू में किए हैं। एक पाइनतीर्थी में किया है, एक न्यू प्लाट में, और एक तोप शेयर करने में भी हमारा कार्यक्रम हुआ है। रिस्पॉन्स देखिए क्या है, रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया है। समाज में कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे छोटा बच्चा है या बड़ा वृद्ध है, सब ग्राहक हैं। आप कोई भी चीज़ जा सकते तो ग्राहक हैं। मान लीजिए एक किसान है, वो भी ग्राहक है, और बहुत बड़ा इंडस्ट्री जिसकी अरबों की मशीनें लगी हैं, वो भी ग्राहक है। तो हम सबको अवेयर कर रहे हैं, हमारा काम सबके बीच में है। हम जाते हैं और ग्राहकों को बताते हैं कि आपके ये अधिकार हैं, अपने अधिकारों का ख्याल रखिए, और आपकी ड्यूटीज भी, कुछ ड्यूटीज भी आपकी हैं, उन ड्यूटीज का भी आप ख्याल करिए। जी सर, मैं ठाकुरदास शर्मा, अध्यक्ष ग्राहक पंचायत जम्मू प्रांत, और हमारा कार्य यही है कि सब लोगों को अधिकारों के बारे में, ग्राहकों के अधिकारों के बारे में बताया जाए, और जो ग्राहक है वो इस सक्षम हो कि वो सब बातों को जाने, अधिकारों को जाने, और कहीं भी धोखा ना खाए। तो इसके लिए हम समय समय पर काफ़ी प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम स्कूलों में क्लब बनाते हैं, बच्चों को 11th, 10th, 12th क्लास के बच्चों को कहते हैं कि वो शुरू से ही ग्राहक के बारे में जाने। और इसी प्रकार जो गृहिणियाँ हैं घर की, जो सबसे ज़्यादा कस्टमर का काम जाने के खरीदने का काम करती हैं, तो उनको भी हम ये बताते हैं कि आप अच्छे तरीके से बाज़ार में जाइए, उन चीज़ों को जो भी खरीदें उनके बकायदा मूल्यांकन कीजिए, पूछिए भाई क्या रेट है, बिना रेट के मत ले लीजिए, क्योंकि उसका क्या मालूम है कि दुकानदार किस रेट में आपको दे दे। तो गृहिणियाँ जो हैं वो अच्छे ढंग से चीज़ों को खरीदने का अभ्यास करें, यही हमारा उनको बताने का अभिप्राय है। और आने वाले समय में हम तमाम परिवार को, समाज को, और देश के लोगों को जागृत कर रहे हैं कि वो अपने अधिकारों को पहचानें।